अभी हम सबको ये तो पता चल गया कल रात को क्या हुआ था। धनराज एबीसीडी बार में शराब पी के बाहर निकला, फिर रिक्शा टैक्सी न मिलने पर चल के थोड़ा सा आगे आया, जहाँ पे भिड़े ने उसके टेम्पो से जान बचाई। तो आज रात को इस पूरे वाक्य को हम फिर से दोहराएंगे। तो ये सारा पूरा जो ड्रामा है वो हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और ये रिकॉर्डिंग कल सुबह जाके चालू जी पांडे जी को दिखा देंगे। खुदाई जी से यही दुआ है कि भिड़े भाई को चुराने का मिशन सक्सेसफुल हो जाए। एक्चुअली लीजिए, क्या हुआ, पानी लीजिए ना। माधवी भाभी, आप भिड़े भाई के टेंशन में पानी के ग्लास तो लाई पर ग्लास में पानी लाना भूल गई। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे ओके, जस्ट सिट डाउन, पानी रहने दीजिए, बैठिए। या बैठ जाइए। हीड़े बहन, आपको ये चिंता हो रही है ना कि हम सबके पतिदेव ने धनराज भाई के लिए जो प्लान बनाया है उसमें उनको सफलता मिलेगी कि नहीं। हाँ माधवी भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारा ये मिशन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। लेकिन नहीं हुआ तो ये हवालात में ही रहेंगे और इनके कितनी बदनामी होगी। अरे अरे माधवी भाभी, क्यों बोलिए, चिंता कर रहे हैं। भीड़े भाई सच्चे हैं, उनकी जीत होगी। हाँ तुम्हें टेंशन ना लो, जरा भी टेंशन ना लो। अब तो टेंशन लेने का समय आ गया है धनराज भाई का। यस, हाँ हमारे गोकुलधाम के सभी ट्रेंड्स का मिशन सक्सेसफुल होगा ही होगा। हो गया, हो गया। अरे वाह जेठा, ब्रावो, बहुत मस्त लग रहे हो यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अंदर जाओ, पता लगाओ क्या कर रहे हो धनराज। ऑल द बेस्ट। हाँ दोस्तों, सबको प्लान बराबर याद है ना। हाँ जेठा भाई, एकदम याद है। पिडू बचाओ, मिशन बिगिंस। यस यस, वाह देवा वाह, भलाई करने का अच्छा फल मिला है मुझे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक शिक्षक को लॉकअप में रात गुजारनी पड़ेगी। माधवी, सोनू, सारे गोकुलधाम वासी मेरे कितनी चिंता कर रहे होंगे। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। एक वक्त था गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा कितना मान सम्मान था, पर आज आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी चोरी के केस में अंदर। कल को ये खबर न्यूज़पेपर में छप जाएगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरे विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये मैं क्या सोच रहा हूं, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, मुझे पूरा यकीन, मेरे गोकुल नाम के दोस्त मुझे बेकसूर साबित करने के लिए सबूत ढूंढ कर लाएंगे। ये पोपटलाल कहीं पीने तो नहीं बैठ गया, मैं देख के आता हूँ। नहीं भाई भाई, तू तो पक्का पीने बैठ जाएगा। नहीं तू रुक। ओके राजेंद्र पी के फुल टोन बैठा है, बिल मंगवा लिया है, बस अभी आता ही होगा। तो फिर अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं गड्डी लेके पोजीशन पे आ जाता हूँ और मैं कैमरा लेके पोजीशन पे आ जाता हूँ और हम लोग रिक्शा को निपटा। हाँ बिल्कुल, चलो चलो चलो। पोपटलाल तुम आगे जाओ। हाँ आप लोग इधर बात करो। मैं रिक्शा खाली है। हाँ चलो, जरा बोरीवली चल रहा है। 100 रुपया एडवांस मीटर गिरा दो। तो बेटा अभी दोस्त आ रहा है, फिर उसको लेके आप निकल जाओ। 100 रुपया मैंने दे दिया था। ओ भाई रिक्शा खाली है? नहीं सर, एंगेज है। अरे नहीं खाली है, इनके लिए ही मैंने रोक के रखा था। आइए आइए बैठिए बैठिए। तो बैठ रहा, चलो। वो 100 रुपया मुझे दे दीजिए। हाँ। तो भाई साहब दे देंगे। जल्दी चलो भाई। हाँ। जाओ। कहीं अभी काम करो। हाथी भाई, जेठा आप लोग छुप के धनराज का इंतजार करो, हम लोग यहाँ रुकते हैं। सबसे पहले हम लोग मोबाइल में कॉम्प्रोमाइज में हो जाते हैं। हाँ, ताकि आपस में सब कनेक्टेड रहेंगे। वेरी गुड। हाँ तो पोपटलाल लगाओ अपने फोन से, सबसे पहले मुझे फोन लगाओ, फिर बारी बारी सबको कॉम्प्रोमाइज में ले लो। क्यों?
सबसे पहले धनराज आएगा तो तुम ही देखोगे ना, तो तुम ही सबको बताओगे ना। रिक्शा में मेहता साहब भी है ना। लेकिन तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फोन में बैलेंस कम है। बीच में कहीं फोन कट गया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। बोलो तो लगाओ। अरे छोड़ो ना भाई, जेठल मैं लगा लेता हूँ, मैं सबको कॉन्फ्रेंस पे ले लेता हूँ। मेहता साहब आप क्यों, इसको पता है जितना अगत्य का काम है तो मोबाइल में पहले से बैलेंस भरा के रखना चाहिए ना। अरे जेठालाल वहाँ मेरा जिगरी दोस्त जेल में है और मैं बैलेंस के बारे में सोचो। जेठालाल छोड़ो ना भाई से, हम तो इसका मेंटल बैलेंस जानते हैं ना भाई। क्या मेंटल बैलेंस, मैं पागल हूँ? लो खुद ही बोल रहा है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। धनराज आ गया भाई, अगर आप लोग ऐसे ही बहस करते रहे तो वो आ जाएगा और चला जाएगा। अरे जेठालाल छोड़ो ना भाई, मैं सबको कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, तुम लोग जाके इंतजार करो धनराज का। हाँ ठीक है चल भाई, मैं करता हूँ कॉन्फ्रेंस। मेहता साहब मुझे भी रखना है कॉन्फ्रेंस में। तुम्हें रखने की क्या जरूरत है? अरे तुम तो मेरे साथ में है ना यहाँ पे। पास में कहा, मैं दूसरी रिक्शा में हूँ। अब तो दूसरा रिक्शा क्या मेहसाणा में खड़ा है क्या बुबटलाल? मैं तो यहीं पे पास में। भाई मैं दूर पास कुछ नहीं जानता, मुझे आपको कॉन्फ्रेंस में रखना पड़ेगा। जिसके फोन में बैलेंस होगा वो कॉन्फ्रेंस में रहेगा। ये तो गलत बात है भाई पोपटलाल, कॉन्फ्रेंस में एट ए टाइम मैक्सिमम 5 लोग ही रह सकते हैं। ठीक है चलो। मेहता साहब आया। आ गया आ गया आ गया। अरे यार इतना सारा सीढ़ी आदमी कैसे उतरेगा रात में? एक लपस्या बना दो ना, लपस्या नहीं समझे, फिसल कुंडी। अरे रैम रैम, वो फैशन शो में होता है रैम, ऐसा फैशन शो में होता है ना सर। अरे मेरा ऐसा नसीब कहाँ, रिक्शा रिक्शा एंगेज्ड है। एंगेज्ड है, सॉरी सॉरी, ठीक है इसको पूछते हैं। रिक्शा बोरी बोरी। अरे बोला ना भाई साहब एंगेज डे। तुम्हारे आज सब रिक्शा के एंगेजमेंट हो गए, तो कुंवारी रिक्शा मिल ही नहीं रहे। हेलो हेलो, स्पीकर स्पीकर। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही आ रही, आपकी आवाज आ रही है। यस बोलिए। हाँ हाँ हाँ, धनराज यहाँ से निकल गया है, तैयार है ना आप लोग? ओ जी एकदम रेडी है। निकल गया, आती भाई चुप हम लोग भी आ। क्या जाता हूँ रिक्शा की धुन में, रिक्शा के सपने। रिक्शा धनराज को अगर बीच में रिक्शा मिल गया तो। अरे अरे यार भाई, मेहरबानी करके पनौती मत लगाओ। हाँ चुप भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बाप रे जेठा भाई, एक रिक्शा इस तरफ आ रही है। ए भगवान, पड़ गई आपके कलेजे को ठंडा कैयर भाई पनौती लगा के। क्या बना दी, अगर उसको रिक्शा मिल गया तो फिर क्या करेंगे? अभी धनराज अगर रिक्शा में बैठ गया तो अपना प्लान शुरू होने से पहले फ्लॉप हो जाएगा यार। नहीं 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 भगवान प्लीज, और रिक्शा को वहां रुकने मत देना, उसको आगे ले जाओ भगवान, आगे ले जाओ प्लीज। द्रौपदी बालाजी बचा लो प्लीज। ए रिक्शा, ए रिक्शा, थैंक यू भगवान, थैंक यू। हमारे यार रक्त दिल के तराने लिए
इच्छा के सपने तराने लिए। दोस्तों शिकार जाल में फंसता जा रहा है, सब तैयार? रेडी रेडी। ओए जेठा प्रा, इस धनराज की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, बस आने दो इसे। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात याद रखो, तुम्हारी जीप से तुम्हें धनराज का एक्सीडेंट नहीं करना है। उसके पास से बाल बाल उसे बचाते हुए जीप निकालनी है, उड़ाना नहीं है उसे। हाँ भाई सॉरी, धनराज के साथ मैं भी रहूंगा, जरा संभाल के हूँ भाई। हाँ एक्सीडेंट मत कर देना। ओए जेठा प्रा, और तेनू तो पता ही है मेरा गड्डी पे कितना कंट्रोल है, और एक बार मैं अगर सड़क को देख लूँ ना तो पट्टी बांध कर भी मैं गड्डी को दौड़ा सकता हूँ, बोलो देखना। अरे नहीं भाई नहीं छोटी, मैं तो कहता हूँ दो आंखों के अलावा तेरे पास और भी कोई आंख हो तो वो भी खोल के गाड़ी चलाना भाई। ओए जेड़ा प्रात, तुसे चिंता ना करो, वाहेगुरु जी की कृपा से देखना कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया ही होगा। हाँ बस बस, तू संभल के चलाना, बस मैं यही बोल रहा हूँ भाई। ये अपनी आजादी, ये आजादी दो दिन की है, के बाद तू बीवी आ जाएगी और उसके बाद जबला तू है नौकर बीवी का। अच्छा यार भाई, आपको और आपका कैमरा तैयार? रेडी रेडी रेडी। ओके चलो दोस्तों, तो मैं जा रहा हूँ। अरे तू कहाँ जा रहे हो जेठालाल? हाँ मतलब वो धनराज को बचाना भाई। ऑल द बेस्ट। हाँ तो ठीक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट यारो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। नौकर बीवी का। अच्छा सोटीर तैयार? यस। हाथी भाई? हाँ हाथी भाई, इधर इधर। चलो चलता हूँ। हाँ अपना ध्यान रखिएगा, और आप भी जरा पेड़ पे ज्यादा वजन मत देना, कहीं गिर ना जाए। क्या है वो जीप इधर से ही जाएगी ना तो फिर अटक जाएगी जीप, या पेड़ अगर गिर गया तो। राम माना तो है नौकर। तुम्हारी जान बचाई है दोस्त। तुमने मेरी जान बचाई, तुमको इनाम तो देना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इनाम की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, इनाम तो देना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। रुमाल है। सॉरी यार, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। थैंक यू। ओके बाय। देने के लिए कुछ नहीं है? अरे इसने कुछ दिया नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया? ए दाढ़ी फ्रेंड, कम हियर।
अरे यार तुमने मेरी जान बचाई है, कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं जरूरत नहीं है। अरे नहीं यार नहीं ऐसा। अरे तुम्हारा चश्मा मैं रख के क्या करूंगा? अरे चश्मा दे भी नहीं रहा हूँ, चश्मा दे दूंगा तो देखूंगा कैसे। हाँ ऐसे क्या है, मैं सोचने के लिए चश्मा उतार देता हूँ। अच्छा अच्छा तभी सोच पाता हूँ। लेट मी थिंक। यस थैंक यू, मतलब खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। ये मेरी अंगूठी, ये मेरा अंगूठी और ये ब्रेसलेट तुम रखो। अरे नहीं, ये सोने का अंगूठी और ये ब्रेसलेट मैं नहीं रख सकता, सोने का है भाई। अरे देना पड़ेगा भाई, जान बचाई है। नहीं नहीं मैं नहीं रख सकता भाई। अरे प्लीज ले लो। नहीं नहीं मैं नहीं ले। ले लो। अरे नहीं नहीं ले सकता मैं। ले लो ले लो ले लो ले लो। आकाशवाणी हुई क्या? बुलंद आवाज है तुम्हारी, पड़गा पड़ रहा है। अच्छा ले लो। आप इतने डांट के इतना प्यार से दे रहे, तब मैं ले लेता हूँ। अच्छा चलता हूँ। ये ब्रेसलेट और अंगूठी आपने मुझे इनाम में दिए। रुको 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 दोस्त, मैं तुमको रिक्शा में बिठा देता हूँ। क्या कि भाई यहाँ तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन आगे जाके तुम्हारी जान बचाने वाला कोई नहीं मिला तो सचमुच में एक दो तीन हो जाओगे भाई। यार तुमने मेरी जान बचाई, तुम यमदूत हो। अरे भाई यमदूत तो जान लेता है। अरे तो बचाने वाले को क्या बोलते? बचाने वाला तो ऊपर वाला ही होता है। तो तुम ऊपर वाले? नहीं नहीं भाई, ऊपर वाले की जगह कोई नहीं ले सकता। थैंक यू ऊपर वाले। अरे देखो रिक्शा भी आ रही है। रिक्शा एक मिनट रुको रुको रुको, लेके जाओ लेके जाओ। थैंक यू। थैंक यू। मिशन सक्सेसफुल। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। अय्यर रिकॉर्डिंग एकदम बराबर किया ना? एकदम परफेक्ट किया है सड़ी। वेरी गुड अय्यर भाई, फटाफट रिकॉर्डिंग दिखाए ना। हां बराबर रिकॉर्डिंग किया है ना? हां बराबर रिकॉर्डिंग किया है। दिखाओ दिखाओ। ओ माय गॉड क्या हुआ? अरे मैं तो रिकॉर्डिंग का बटन दबाना ही भूल गया। अय्यर भाई डेट हुआ, दबा दो इनका। जेठालाल जेठालाल आराम से। मेहता साहब ये क्या मतलब, ऐसा कैसे कर सकते हैं अय्यर भाई आप? ओए क्या किया अय्यर साइंटिस्ट यार, ये क्या कर दिया तूने? अभी क्या करेंगे हम लोग? अरे वो कंपनी वाले ने उधर कैमरे में खास तौर पर लाल बटन दिया है, और लाल बटन अब दबाने कैसे भूल सकती है? अय्यर भाई क्या किया ये आपने? सॉरी जेठालाल सॉरी। अरे क्या सॉरी, सब खुद ही मरे, सब गया, सब खड्डे में। अरे वो तो ठीक है, बिना कैसे छूटा यार देखो। इतना मेरे को सही ढंग से गाड़ी को इधर उधर निकालना पड़ा। अय्यर भाई असर हो गई मगज पे, असर हो गई। मुझे तो पहले ही डाउट था कि अय्यर भाई थोड़े से आप देखो साबित हो गया। गई डागड़ी चसक गई। अय्यर भाई आप भांस रहे हैं क्यों? अरे मैं मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ तब ये मजाक करने का टाइम है अय्यर। क्या जेठालाल तुम भी इतना भी नहीं समझते? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ साइंटिस्ट,
दंड दोगे ऐसा सिली मिस्टेक करेगा नेवर इल्ले अरे मैंने इतना परफेक्ट रिकॉर्डिंग किया है कि पूछो मत जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा गंदा मजाक मत करना यार भाई ये बहुत ही गंदा मजाक था सॉरी 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 देखो रिकॉर्डिंग देख दे अधिका अधिका देखो 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 एक ये अंगूठी और ये ब्रेसलेट जबरदस्त जबरदस्त वाह वाह यार भाई क्या रिकॉर्डिंग किया वाह जबरदस्त अभी तो हमारा भेड़ा बेकसूर छूट ही जाएगा भाई धनराज की पोल खोलने का सबसे बड़ा सबूत हमें मिल गया सही बात है चलो यारो फटाफट गोकुलधाम चलते हैं वहाँ पे सब लोगों को ये रिकॉर्डिंग दिखाते हैं ये देख के सब लोग खुश हो जाएंगे चलो 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 मिल गया मिल गया मिल गया सबूत का सोना मिल गया दोस्तों धनराज के झूठ से पर्दा हटाने का सबूत मिल गया और ये मिला है धनराज के स्वभाव की वजह से दोस्तों इंसान का फितरत और स्वभाव कभी नहीं बदलते बहुत कम लोग होते हैं जो अपना स्वभाव बदल सकते हैं धनराज भी नहीं बदल पाया और इंसान अपने फितरत की वजह से ही फंस जाता है जैसे धनराज हमारे जाल में फंस गया उसका एक स्वभाव है जो भी रात को नशे में करता है वो सुबह भूल जाता है जैसे आज की बात कल सुबह भूल जाएगा और अब हमारे भिड़े छुड़ाओ मिशन सिर्फ एक कदम की दूरी एक रात की दूरी है बीच में कल धनराज के झूठ की धज्जियां उड़ जाएंगी पुलिस स्टेशन में लेकिन कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो अभी पुलिस को सबूत दिखाना बाकी है कुछ भी उल्टा पुल्टा हो सकता है लेकिन आप क्यों चिंता करते हैं यहाँ कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए आप हंसते हंसते उलट पुलट जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए मिस्टर धनराज कल रात आप कहाँ थे क्यों पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं पूछते अरे यार मैं भी वही बोलने वाला था ना तुम लोगों से पूछ के ही मैंने शुरू किया था ना करने दो सर तो कल रात आप कहां थे वो दिखाएंगे अभी आपको उसमें अरे हेलो दोस्तों आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें